हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती न्यू क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल भगवती न्यू क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज आपके लिए मैं लाया हूं एग्जाम्पल नंबर 16। इससे पहले हमने एग्जाम्पल 15 तक क्वेश्चन बताया था। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे उनको हर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में स्किप मत करिए। आइए, हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कुछ मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज है, और वो है कि एसोसिएटिव ला। पहला एसोसिएटिव ला ये हो जाए ए बी सी आर थ्री मैट्रिक्स। मान लो हमारे पास थ्री मैट्रिक्स हैं, ए बी और सी, या कोई भी थ्री अदर मैट्रिक्स हैं, तो उनका जो एसोसिएटिव ला है कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करते हैं, और बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट मतलब सेम आता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ए बी प्लस सी, मतलब पहले बी सी को जोड़कर ए से मल्टीप्लाई करें तो, और ए बी को मल्टीप्लाई करें और इसी को मल्टीप्लाई करें, उनका एडिशन करें तो सेम आता है। या दो मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करके सी से मल्टीप्लाई कर लें, ए और सी को मल्टीप्लाई करें, बी और सी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तब भी उनका आंसर सेम आता है। और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मीन्स होता है आई ए इज इक्वल टू ए आई, ए इज आवर मैट्रिक्स या बी इज आवर मैट्रिक्स, सी इज आवर मैट्रिक्स। तो आई मीन्स आइडेंटिटी, जिसका जो एलिमेंट्स होता है 1 1 1 होता है, ठीक। तो अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेम ही आता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। ऑर्डर उसका कोई भी हो, चाहे 2 बाई 2 हो, चाहे 3 बाई 3 हो। अब आइए हम एग्जाम्पल अपने देखते हैं। तो ए और बी सी तीन मैट्रिक्स हैं, तीनों गिवन है, हमें ये फाइंड करना है ए बी सी, ए बी सी, और शो करना है कि ये बराबर है। तो अब ए बी सी हमने लिया पहले, तो यहाँ पर देखिए बी सी एक साथ है, तो सबसे पहले हम बी सी को निकालेंगे। तो बी हमारा है 1 3 0 2 -1 4, और ये है आपका 1 2 3 -4, और 2 0 -2 और 1। अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कवर में आ जाएगा, ये रो ये कॉलम में आएगा, तो ये बनेगा। अब यहाँ 2 बाई 4 का ऑर्डर है, तो 2 बाई 4 ही बनना है। तो 1 × 1 + 3 × 2, फिर 1 × 2 + 3 × 0, ठीक है, फिर 1 × 3 + 3 × -2, फिर 1 × -4 + 3 × 1, ठीक, ये आ गया। अब दोबारा इसी तरह इसको करेंगे, 0 × 1 + 2 × 2, फिर 0 × 2, यहीं से देखते जाओ, यही उतारते जाओ, 0 × 2 + 2 × 0, 0 × 3 + 2 × -2, 0 × -4 + 2 × 1, ओके। अब इसका देख लेते हैं, तो -1 × 1 + 4 × 2, -4 × 0, -1 × 3 + 4 × -2, -1 × -4 + 4 × 1, ये आपका आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा, देखिए 1 + 6 0 + 4 - 1 + 8, ये बनेगा 2 + 0 0 + 0 - 2 + 0, ये बन जाएगा 3 - 6 0 - 4 - 3 - 8, ये हो जाएगा -4 + 3 0 + 2 4 + 4, और इसको सॉल्व कर लो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा
7 4 7 7 4 7 6 7 4 ठीक है। 2 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2 और यह हो गया -3 -4 -11 -1 2 और 8 ये आपका आ गया। नाउ ए बी सी, बी सी का प्रोडक्ट निकल गया आपका, ठीक है। अब ए आपका क्या है, ये लीजिए आपको 1 2 3 1 2 3 -1 0 -1 और -1 3 2 और ये आपका बन जाएगा ये वाला 7 4 7 ठीक है। 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2 8 अब इसकी मल्टीप्लाई करो। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए पहला रो पहला कॉलम 1 into 7 plus 1 into 0 plus -1 into -2 ठीक है। पहले रो का पहले कॉलम और फिर पहला रो 1 into 2 plus 1 into 0 plus -1 into -2 पहला रो पहला कॉलम गलत हो गया, 1 7 1 4 होगा, मैंने दूसरा देख लिया और -1 7 आ जाएगा। फिर 1 2 1 0 -1 और ये -2 ठीक है। अब ये आ जाएगा 1 into 3 ये -3 है, 1 into -3 1 into -4 1 into -4 -1 into -11 plus -1 into -11 इसका हो गया। तीसरा आप चौथे में आ जाओ तो ये बनेगा 1 into -1 1 into -1 plus 1 into 2 1 into 2 plus -1 into 8 तो -1 into 8 ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह दूसरा रो पहला करूँ तो 2 into 7 plus 0 into 4 plus 3 into 7 2 into 2 plus 0 into 0 plus 3 into -2 फिर ये हो जाएगा 2 into -3 plus 0 into -4 plus -1 into 3 है यहाँ पर इसको बहुत केयरफुल से करना है 3 into -11 और ये 2 into -1 plus 0 into 2 plus 3 into 8 ये हो गया। और इसके बाद तीसरा लंबा तो 3 into 7 plus -1 into 4 plus 2 into 7 3 into 2 plus -1 into 0 plus 2 into -2